किया और यहाँ पर आने की गुजारिश की तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी माशाल्लाह। और यहाँ पर हमने यूनिटी के लिए आए हैं, हम मुसलमान और सिख की यूनिटी के लिए आए हैं। और जो पाकिस्तान में जो हुआ है हम उसको तहे दिल से कंडम करते हैं, ये कभी नहीं होना चाहिए, ये कुरान ने नहीं सिखाया। इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं हम, इसके लिए ये जो भी हुआ है इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुरान ने कहा है कि कोई मजहब को बुरा नहीं कहना, कुरान ने कहा है कि दूसरे खुदाओं को बुरा नहीं कहना, ये हमारी तालीम है। मगर अगर कोई एक ऐसा इंसान करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, ये फर्ज हो जाता है। कोई भी बुरा काम होता है तो हम यूनिटी के साथ काम करें, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये गुजारिश नहीं है, अब गुजारिश करने का वक्त नहीं है, अब डिमांड करेंगे हम हक लेंगे, हमारा हक लेंगे और उनसे माफी मांगने लगा है। और जो भी वो लोग है उसके अंदर जो जिन्होंने ऐसा काम किया है उनको सजा दे, बिल्कुल सजा दे। माफी तो माफ, ये गलतियां करते जाएंगे माफी का माफी नहीं, गलतियां करते जाएंगे माफी मांगते जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए सजा होना चाहिए बराबर। वो लातों के भूत है, जो लातों नहीं मारेंगे वो सजा वजा से काम नहीं आएगा, उसको माफी से काम नहीं चलेगा, उसको सजा देना ही देना है। जब तक ये नहीं होगा कौम लोग नहीं सुधरने वाले, सजा उनको देना है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द सजा दे। हम मुसलमान जो है आपके साथ हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे, हर के साथ रहेंगे हम, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुश्किल आती है, हमने देखा है कि सिख कौम पहले आती है मदद के लिए। बाद में आ जाए, सिख कौम पहले आ जाती है मदद के लिए, हमने देखा है। तो उसी के लिए हम आए हैं, आपके आपका साथ देते हैं और इसके लिए हम आपके साथ ठहरे हुए हैं।